ये आपका येलो है अभी दिख रहा है, ये येलो अंडरटोन है, ये न्यूट्रल अंडरटोन है। थोड़ा सा न्यूट्रल वाले को और हल्का सा न्यूट्रल करते हैं। कैमरे में दिखाने के लिए कर रही हूँ, बाकी बन चुका है, एग्जैक्ट कलर आ चुका है। आप लोग को वॉइस मिल रही है? देखो, ये आपका येलो अंडरटोन का फाउंडेशन है, येलो जैसा दिख रहा है। ये आपका पिंक अंडरटोन का फाउंडेशन है जो कि अभी ओलिविया का दिखा है। ये आपका न्यूट्रल है, वार्म में न्यूट्रल में बहुत हल्का सा अंतर है, बहुत लाइट सा अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। हल्का सा हम और ज्यादा कम इसको करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। ये सूख जा रहा है ना, वाटर कलर है, फाउंडेशन तो है नहीं, ये इसी वजह से। ये आप देखो, ये ज्यादा वाइब्रेंट येलो की साइड है, ये थोड़ा सा नहीं है, हल्का सा इसमें जो वाइब्रेंसी है येलो की वो कम है बस, बहुत और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए ये दोनों पर चल जाता है। येलो किसी का है ना तो न्यूट्रल भी चल जाता है, पर बहुत ज्यादा न्यूट्रल है तो नहीं चलता है। बस ये अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी इसमें सबको कूल अंडरटोन का, ये कूल अंडरटोन का फाउंडेशन है और ये आपका वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन है। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये आपका न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन है। ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका कूल हो गया, ये आपका वार्म हो गया। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब आप फाउंडेशन चेक करेंगी तो कैसे करेंगी। हल्का सा आप व्हाइट लेंगी क्योंकि मिस बार बार वो हो जा रहा था, तो पिंक आपको बनाना है हल्का सा, क्योंकि डायरेक्ट रेड ले रही है ना, तो डायरेक्ट रेड लेने से क्या हो जा रहा है कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है बस। तो इसी वजह से आपको पहले हल्का सा रेड लेकर पिंक बना लेना है। पिंक क्या है, हल्का सा रेड का टिंट ही है, तो बहुत लाइट सा मिलता है हमें। तो जैसे हल्का सा पहले हम पिंक लेंगे, हमें कूल अंडरटोन के फाउंडेशन बनाने होंगे तो सबसे पहले हम हल्का सा यहाँ पे पिंक रखेंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, हल्का सा पिंक रखेंगे यहाँ पे, उसके साथ ही साथ हम व्हाइट ले लें, हल्का सा व्हाइट ले लेंगे और हल्का सा, बहुत हल्का सा हम जो है येलो ले लेंगे, हल्का सा बहुत। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक यार इस ब्रश में इतना ज्यादा लगा हुआ है ना, जो बताना चाह रही हूँ बता नहीं पा रही। अब ये मिलके थोड़ा सा ऐसे, अभी मेरी स्किन टोन में नहीं आया है, इसको आने के लिए हमें स्किन टोन का लेके आने के लिए हमें हल्का सा येलो मिलाना ही पड़ेगा। तो हम इसको मिला लेते हैं तो हमें एक हल्का सा हमारा टोन आएगा, हमारे स्किन टाइप का टोन आएगा। अभी मैं आपको डार्क और लाइट भी बताऊंगी। तो जैसा अभी आप देखोगे थोड़ा पीछे साइड है, तो हल्का सा रेड मिलाती हूँ इसके साथ, तो ये कूल टोन के साथ जाएगा। अभी अपने इसमें हमने ब्लू नहीं मिक्स किया है, ठीक है। अब हमको इसको फेयर करना है, तो फेयर करने के लिए हम क्या मिक्स करते जाएंगे, व्हाइट। हमने पहले क्या मिक्स किया, पहले व्हाइट लिया और पिंक लिया, पिंक में थोड़ा सा येलो मिक्स किया ताकि वो हमारी ऐसे स्किन टोन जैसा बने, बादामी जैसा बने, ठीक है। तो अब हमें इसको डार्क करना होगा, लाइट करना होगा, तो हम बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। पहले आपको वही लेना है, पिंक लेना है हल्का सा और व्हाइट लेना है, उसके बाद थोड़ा सा जो है येलो लेना है। तो आपका ये पिंक अंडरटोन बन चुका है। अब यहीं पर हमें पिंक अंडरटोन बहुत आसान होता है बनाना। यहाँ पे आप देखो पिंक अंडरटोन के फाउंडेशन बन गया, दिख रहा है ना आपको आसानी से, आपके सामने बनाया, व्हाइट लिया, पिंक लिया, हल्का सा येलो लिया, तो हमारी स्किन टोन का आया। लेकिन अभी ये कूल टोन है, इसी में हम थोड़ा सा येलो टोन ज्यादा डाल देंगे, हल्का सा डालेंगे तो ये वार्म होती जाएगा, क्योंकि जो येलो है वो वार्म साइड में है, इसीलिए अब इसमें हम थोड़ा सा येलो डालेंगे तो ये हमारा जो आएगा वो वार्म में आ जाएगा। एक एक मिनट हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो क्योंकि अभी वार्म को भी डार्क करेंगे और कूल को भी डार्क करेंगे तो आपको समझाने में काम आएगा। यह हमारा कूल टोन का है। अभी कूल टोन को हमें, अब इसमें हम जो है मिक्स कर लेते हैं येलो, ये देखेंगे येलो की साइड आ गया येलो, येलो में थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करूंगी। अब अगर आप अच्छे से देख रही होंगी तो ये कूल दिख रहा होगा, ये वार्म दिख रहा होगा, अगर अच्छे से देख पा रही होंगी तो। येलो मिक्स किया था ना इसलिए इसका टोन मिल चुका अच्छे से, दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? ये थोड़ा सा कूल दिख रहा होगा पिंक साइड और ये येलोनेस दिख रही। हाँ, अब हमें इसको डार्क करना है, तो हम जो लेंगे वो लेंगे अपना ब्राउन कलर,
ठीक है, हल्का करना है तो बहुत हल्की मात्रा लेंगे ब्राउन कलर की। ये हमने बनाई है लेकिन मेरा मन चाह ब्राउन बना नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा ये सूख भी गया है तो हल्का सा फिर मैं ब्राउन बनाती हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, सूख जा रहे हैं बार बार ये। अब बस इसको डार्क और लाइट करने का है। पहले आपको बताया, पहले आपको थोड़ा सा पिंक लेना है, व्हाइट लेना है और उसमें थोड़ा सा येलो करना है। तो हमें एक फाउंडेशन क्रिएट करना है, ठीक है। एक फाउंडेशन क्रिएट होने के बाद फिर उसको हमको वार्म, अगर कूल में है तब तो हम हल्का सा येलो मिला के उसको मिक्स कर दिए तो कूल साइड चला गया, लेकिन उसी को वार्म करना है तो येलो और मिक्स करेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट दो शेड हमें ये मिल चुका है, ये पिंक मिल चुका है, ये वार्म। अब इसी को हमें डार्क और लाइट करना है। अगर लाइट करना होगा तो हम व्हाइट मिक्स करते जाएंगे, तो हम पहले व्हाइट दोनों में मिक्स करते हैं अच्छे से। इनको लाइट करना है, वार्म को लाइट करना है। तो वार्म को जब लाइट करेंगे तो हम दो चीजें जो है मिक्स करेंगे, क्योंकि ये अब हमारा जो बन रहा है ये थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है, तो इसके साथ हमें वार्मनेस भी चाहिए। तो हम हल्का सा येलो मिक्स करेंगे, बहुत हल्का सा। देखो वार्मनेस के फेयर फाउंडेशन ये बन चुका है, ये वार्म का फेयर फाउंडेशन हो चुका है, हमने फेयर कर दिया। इससे जो उठाया था इससे ये फेयर हो चुका है। अब मुझे ये पिंक अंडरटोन को फेयर करना है, तो फिर मैं फिर से अब जो लूंगी वो व्हाइट ले लूंगी। व्हाइट को इसमें मिक्स करूंगी तो पिंक अंडरटोन वाला मुझे फेयर शेड मिलेगा। पिंक मतलब कूल अंडरटोन। तो ये हमें, ये देखो आप यहाँ पे देखो दोनों के लाइट वर्जन मिल रहे हैं कि नहीं, दोनों के। दिख रहा है आप लोगों को? देखो इसमें अच्छे से ये थोड़ा सा पिंक दिख रहा होगा हल्का सा, और ये वार्म दिख रहा होगा, पर दोनों फेयर साइड में है, ठीक है। अब हमें इनको हमें मीडियम लाना है, तो हल्का सा हम ब्राउन कलर मिक्स कर देंगे, और ज्यादा करना है तो थोड़ा सा और उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। हम जल्दी से हम ब्राउन कलर बना लेते हैं। एक मिनट, इसमें येलो है,